क्या इस धरती के बाहर जीवन संभव है? क्या हमारी तरह दूसरे ग्रह में भी लोग रहते हैं? यह जिज्ञासा हमारे मन में हमेशा से रहती है, पर सही जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों, एलियन को हम सब ने अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखा है। हमारे ग्रह के अलावा भी ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जिसमें जीवन संभव है। क्या वहाँ पर मानव रहते हैं और कैसे दिखते हैं? क्या वह जादू की तरह नीले दिखते हैं या किसी खतरनाक जानवर की तरह दिखते हैं? यह सभी लोग जानना चाहते हैं। लेकिन जिस परग्रही जीव के बारे में जानने के लिए दुनिया इतने वर्षों से रिसर्च कर रही है, वहीं अमेरिका एलियन के बारे में कब का जान चुका है। बकायदा अमेरिका के पास एलियन की डेड बॉडीज और यूएफओ भी है। दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि वहाँ की खुफिया अधिकारी का दावा है, और बकायदा उसने सबूत भी पेश किए हैं कि अमेरिका के पास एलियन की डेड बॉडीज और यूएफओ है, जो अमेरिकी सरकार पब्लिक नहीं करना चाहती। इसलिए कई वर्षों तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, और अमेरिका यूएफओ पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने इतने वर्षों तक इसके बारे में दुनिया को क्यों नहीं बताया? क्या सच में अमेरिका के पास एलियन और यूएफओ है? जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अमेरिका की खुफिया अधिकारी ने जो दावा किया है उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल जून महीने में पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रूस ने दावा किया था कि अमेरिका सरकार के पास यूएफओ और दूसरे ग्रह के जीवों के शव रखे हैं। इस दावे के बाद वॉशिंगटन हाउस में ओवरसाइट कमेटी ने मामले की सुनवाई की। इसके तहत बुधवार 26 जुलाई को ग्रूस ने अपने बयान में इस बात को दोहराया। दोस्तों, यह पहला दावा नहीं है जब एलियन की बात की गई हो। पहले भी कई लोग एलियन से संबंधित दावा कर चुके हैं। इनमें से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी यूएफओ को लेकर 2021 में दावा किया था। दोस्तों, डेविड ग्रस के दावे को हवा इसलिए नहीं उड़ाया जा सकता क्योंकि वह अमेरिका के रक्षा विभाग में यूएफओ यानी अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जुड़ी घटनाओं के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रह चुके हैं। उन्होंने एक ओवरसाइट कमेटी के सामने एलियन लाइफ और एलियन टेक्नोलॉजी के मसले पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अमेरिका सरकार के पास एक क्रैश एलियन स्पेसक्राफ्ट है और एलियन जीव के अवशेष हैं, जो शायद उसका पायलट था। अब सवाल उठता है कि ग्रस और बाकी लोग क्यों दावा कर रहे हैं कि अमेरिका सरकार एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपाती आई है। इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1947 की गर्मियों में। न्यू मैक्सिको के रॉसविल में एक चरवाहा भीड़ चरा रहा था, तभी उस खेत में एक मलबा दिखा, अजीब सा चमकता हुआ। वहाँ पर एक मेटल रोड, प्लास्टिक फॉइल रिफ्लेक्टर्स और एक भारी चमकदार कागज जैसी चीजें थी। चरवाहे को कुछ गड़बड़ लगा और उसने फौरन ही पुलिस को बुला लिया। फिर यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई और अमेरिकी आर्मी भी वहाँ पर आधम की और मलबे को अपने साथ ले गई। आर्मी ने यह बयान दिया कि उन्हें जो मटेरियल मिले हैं उनका संबंध यूएफओ से है। लेकिन अगले ही दिन आर्मी अफसर अपनी बात से पूरी तरह से पलट जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह मलबा एक बलून का है जिसे मौसम संबंधित जानकारियां जुटाने के लिए उड़ाया गया था। उसकी फोटो भी अखबार में छपवाई गई। लेकिन जिन लोगों ने कथित यूएफओ के क्रेश मलबे को देखा था, उनका कहना था कि ये मलबा वो नहीं जो खेत में मिला था। कई लोगों ने दावा किया कि यह मलबा किसी स्पेसक्राफ्ट जैसा था जिसे आर्मी ने बदल दिया। हालांकि आर्मी अफसर अपने गुब्बारे के बयान में डटे रहे। फिर अमेरिकी सरकार ने बाद में बाकायदा बयान जारी करके मलबे को एलियन स्पेसक्राफ्ट बताने वाले दावे को खारिज किया। लेकिन लोगों का सवाल था कि आखिर आर्मी अफसर ने अपने बयान क्यों बदले, असल मलबे और अखबार में छपे मलबे की तस्वीर अलग अलग क्यों थी। इन सवालों का सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया। यही वजह है कि उस मलबे को लेकर सवाल उठने कभी बंद नहीं हुए। लेकिन कई लोगों का दावा है कि एरिया 51 में एलियन और एलियन से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम होता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो यूएफओ में क्रैश बॉडी मिली थी उसे एरिया 51 में लाया गया जहाँ साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते हैं। वैसे एरिया 51 की अंदरूनी जानकारी रखने का दावा करने वाले सबसे चर्चित नाम बॉब लेजर का है। बॉब ने साल 1989 को दावा किया कि वह एरिया 51 में काम कर चुके हैं, और इसके कुछ साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री भी आई जिसमें 71 साल के एक मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू भी शामिल था। इंजीनियर का कहना था कि उन्होंने 1950 के दशक में एरिया 51 में काम किया। उनका दावा था कि वह एक फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पर काम कर रहे थे जो किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पर आधारित था। दोस्तों, पूरी सच्चाई क्या है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।